सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ यार सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और न्यू एपिसोड में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइनक्राफ्ट की कुछ ज़रूरी सेटिंग्स जो कि आप लोगों को चलिए दिखा दे। तो हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर हम आज सिर्फ बात करेंगे टच वाले सेटिंग की। उसके बाद प्रोफाइल वीडियो ऑडियो सब कुछ आता है, लेकिन उसके वीडियो आपको बारी बारी से आप तक पहुँच जाए मिल जाएंगे। मैं बहुत जल्द इसके वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गेम के इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते। तो जैसे कि हालाँकि हम तो अभी है हमारे वर्ल्ड में, तो ये मेरा वर्ल्ड है, तो ये मैंने घर बनाया है मेरा। कैसा लगा आप लोगों को ये कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फालतू की बात आज हम नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी सेटिंग्स के बारे में। चले जाते हैं सेटिंग में। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा टच में सेंसिटिविटी, सॉरी आउट ऑफ जम फोन हो गया, ये रहा हमारा सेंसिटिविटी। तो ये क्या है गाइस? तो चलिए आपको सबसे पहले लो सेंसिटिविटी करके दिखा देते। यहाँ पे मैं 11 पे रखता हूँ। तो इस सेंसिटिविटी को अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मैं मोड़ रहा हूँ, तो बहुत धीरे धीरे से ये जो हमारा माइनक्राफ्ट में जो हमारा कंट्रोलर होता है बहुत ही धीरे धीरे से वर्क कर रहा है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग आप लोगों को उसकी सेंसिटिविटी को थोड़ी बढ़ा कर दिखाते हैं। टच में चले गए और ये लो हमने कर दिया 55 इसमें हमने कर दिया। तो देखिएगा इस कितनी जल्दी जल्दी से हमारा जो मूवर है जो मूव कर रहा है कितनी जल्दी जल्दी से वर्क कर रहा है। तो गाइस सेंसिटिविटी जो पहला आप लोग अगर समझ गए, नहीं समझे तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। अब बात करते हैं दूसरा वाला, तो वापस से चले जाते हैं टच में। तो गाइस टच में हमारा जो दूसरा नंबर आता है इनवर्ट्स वाई एक्सिस, तो इसको अगर हम ऑन करते हैं, तो चलिए ऑन करने के बाद हम लोग वापस से चले जाते हैं हम अपने वर्ल्ड में। तो गाइस देखो अगर इसमें क्या होता है कि अगर हम ऊपर की तरफ स्वाइप अप करते हैं तो हमारा कैमरा नीचे मुड़ता है, और हम नीचे की तरफ स्वाइप अप करते हैं तो हमारा कैमरा ऊपर मुड़ता है। तो मुझे तो ये पता नहीं गाइस ये किस लिए दिया गया, एकदम फालतू है। आप अगर मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको यूज़ मत कीजिए, एकदम बोरिंग सा है, मुझे बहुत ही फालतू लगा। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी ऑफ कर देते हैं, कोई काम का नहीं, आप लोगों को बस इतना ही समझाना चाहता था। अगर हम देखो वापिस से समझा दूँ, अगर हम इसमें नीचे स्वाइप अप करते हैं तो ये ऊपर की ओर हमारा कैमरा एंगल मुड़ेगा, अगर हम नीचे स्वाइप अप करते ऊपर की ओर स्वाइप अप करते तो हमारा कैमरा एंगल नीचे की ओर मुड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूँ ये तो फालतू है, मुझे तो ये पता नहीं यार माइनक्राफ्ट वालों ने क्यों दे दिया। चलिए इसको कर देते ऑफ, क्योंकि हमें ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता, वो इसको आप रखते हो। उसके बाद आता है ऑटो जंप, तो अभी ऑन है, तो चलिए मैं आपको पहले ऑफ करके दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। वापस से चले जाते तो ऑटो जंप में ये होता है कि अगर ऐसा कोई ब्लॉक आ गया, चलिए ये हमारा यहाँ पे चढ़ने के लिए रास्ता बनाए, तो ये तो इसमें तो चढ़ जाएगा, अच्छा चलो यहाँ पे ले लेते। तो जैसे कि हमें इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ना है तो हम ऑटो जंप अगर होता तो हम ऑटो जंप से चढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे ऊपर हम नहीं जा पा रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि राइट साइड में ये जो हमारा कंट्रोलर है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये जंप कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो भाई ये होता है ऑटो जंप का मतलब। तो ये शायद इसीलिए दिया गया है कि अगर हम कहीं पे माइनिंग करने जाए तो उधर अगर समझो अगर इसके उस पार अगर लावा दिख जाए तो हम ऐसे ही जाएंगे तो अंदर कूद के मर जाएंगे, लेकिन अगर हमें पता है कि आगे लावा है तो हम ऑटोमेटिक हमारा मूवर वर्क नहीं करेगा, ऑटोमेटिक हमारा ये काम नहीं करेगा। तो शायद इस वजह से हमें यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए अच्छा है, तो अब आप लोगों को वापस उसको ऑन करके दिखा दे। तो भाई टच में चले गए, ऑटो जंप को ऑन किया और ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखो ऑटो जंप है, यहाँ से हम लोग आए, अब मुझे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने फेंसिंग करके रखा है, इसलिए चले बाहर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो बाहर चले जाते हैं, ये रहा गाइस देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग के ऑटो जंप की तरह यहाँ से अचानक से कूद के चले जाते हैं। तो गाइस ये होता है अगर हम ऑटो जंप ऑन ऑफ रखते हैं तो हमारे जो राइट साइड में जो कंट्रोलर का छोटा सा बटन आता है जो उसको अगर हम प्रेस करेंगे तभी ये जंप कर देता है, कुछ इस तरह का इसका वर्क है। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट सेटिंग, तो वापस टच में चले जाते हैं और यहाँ पे आते हैं डेस्ट्रॉय ब्लॉक। तो ये ब्लॉक क्या होते हैं कि अगर इसको हम ऑन रखते हैं, चलिए ऑन रख के दिखाते, तो अगर हम इससे अगर हम कुछ माइनिंग करते हैं तो जितना हम लोग अगर माइनिंग करते हैं इधर देखो, तो हम अगर हमने इस ब्लॉक को अगर चलो समझो काटा तो ये हमारा इससे हमारी जो मोबाइल है वो वाइब्रेट करेगा, हमारा जो डिवाइस है वो क्या करेगा
वाइब्रेट कर गया, इसका मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक टूट रहा है, वैसा हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा। अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो हम अगर कोई ब्लॉक को तोड़ते हैं तो उसमें से आवाज़ नहीं आता है, आवाज़ थोड़ी वाइब्रेट नहीं आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्टोरे ब्लॉक वाइब्रेट। तो गाइस मुझे तो इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं इसको ऑन रखूँगा। अगर आपको ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं, ऑफ़ रखना चाहो तो ऑफ़ रख सकता है। उसके बाद आता है हमारा स्प्लिट कंट्रोल। तो चलिए अभी तो ऑफ है तो अब आपको ऑन करके दिखाते हैं। ऑन कर दिया हमने स्प्लिट कंट्रोल, वापस से चले जाते हैं हम अपनी गेम में। तो स्प्लिट कंट्रोल को जैसे आप लोग करोगे तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ डिफरेंट हुआ आपको मिल जाएगा। क्या डिफरेंट हुआ है गाइस कि यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर जैसा स्क्रीन हो गया है, हमें सामने प्लस आ गया, जो कि ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जिससे हम अगर हम कुछ तोड़ना चाहें तो दूर से भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे पेड़ है, तो एक मिनट में इसको पहले सर्वाइव में क्रिएटिव में कर देता हूँ जिससे कि मैं आसानी से सब कुछ तोड़ सकूँ। देखो ये दूर है, दूर से भी मैं तोड़ सकता हूँ। अगर हम स्प्लिट कंट्रोल को ऑन नहीं करते तो हमें वहाँ पे नज़दीक जाना पड़ेगा और फिर नज़दीक से काटना पड़ेगा, तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो ऑलवेज इससे ही ऑन रखता हूँ। अगर आप भी ऑन रखना चाहो तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोग इसे यूज़ करना, ये मेरी एक छोटी सी सलाह है। उसके बाद आता है लेफ्टी। इसमें क्या होता है, अगर लेफ्टी को हम लोग ऑन करते हैं तो देख लीजिए हमारा कंट्रोलर चेंज हो गया। अगर आप लेफ्टी है, अगर आपको राइट साइड जो लेफ्ट साइड में अगर हमारा ये कंट्रोल आता है जो चार चौरस बॉक्स की तरह ये जो हमारा होता है, ये लेफ्ट और राइट हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कोई लेफ्टी हो तो उसको ये अच्छा लगेगा, मुझे तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है क्योंकि मुझे इसमें कंट्रोल करना आता ही नहीं है, थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है, आप लोग समझ सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार गाइस प्लीज़। तो इसको मैं लेफ्टी को अभी ऑन ऑफ कर देता हूँ, आप लोग अगर ऑन रखना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे होते हैं स्वेप जंप एंड स्नेक, तो इसको ऑन करते हैं और हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि ये नीचे हो गए। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम लोग हमारे जाने की स्पीड है ना थोड़ी सी रुक रुक के चलती है धीरे धीरे से, मतलब कि बहुत ही स्लो स्पीड हो जाती है इसमें, ये कुछ थोड़ा सा इतना वर्क होता है। अगर हम इस जो हमारे लेफ्ट साइड में जो बटन है उसको दो बार क्लिक करेंगे तो इसमें स्पीड से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर दो बार क्लिक करेंगे तो ये रुक जाएगा। आप लोग जैसे कि देख रहे हो तो ये हमारा स्पीड कंट्रोल करता है, तो ये कुछ इसमें ऐसा आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं गाइस। तो काफ़ी अच्छा है वैसे तो ये, तो मुझे इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रखता हूँ ऑफ। आप लोग ऑन रखना चाहो तो ऑन रख सकते हो। उसके बाद आता है टच ओनली इफेक्ट हॉट बार। इसको अगर हम लोग ऑन करते हैं और चलिए आप लोगों को दिखा दें। तो ये लो गाइस हमारा कंट्रोल कहाँ गया गाइस, देखो यहाँ पे वाई इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल वगैरह सब कुछ कंप्यूटर के जैसा हो गया है, तो हमें सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ से। तो आप लोग देख रहे गाइस, तो ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह आ सकती है, तो अगर आपको ये रखना है तो आप लोग रख सकते हो, वरना आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो गाइस सॉरी। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को बता दिया टच ओनली अफेक्ट हॉट बार होता है वो कंप्यूटर जैसे, जिसमें कि हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमें नहीं दिखता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखा दिया हमारे कंट्रोलर्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मतलब कि इनविजिबल हो जाते हैं, आप लोगों को नहीं दिखा देता, लेकिन फिर भी वो वर्क करता है जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम इसको ऑन रखते ऑफ कर देते क्योंकि हमें वो इसकी हमें कोई अभी ज़रूरत नहीं है। फिर ये बटन्स आ जाती है जिसको हम लोग आपको बड़ा करके दिखाते हैं। तो गाइस देखिए बटन बड़े हो गए हमारे, काफ़ी बड़े हो गए। एक बार मैं इसमें दिन कर देता हूँ सबसे पहले, चलिए दिन हो गए। तो गाइस आप लोगों को एक बात और दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग खेल रहे हो क्रिएटिव में ये सिर्फ होता है, तो ये तो हमारे टच में नहीं आता, लेकिन ये जो हमारा बीच वाला ऑप्शन है सेटिंग के साइड में ऊपर दिख रहे उस पर क्लिक कीजिए, और ये जो यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन आ रहा है सेटिंग के सेटिंग और कीबोर्ड जैसा है उसके बीच में ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे टाइम, आप अगर नाइट करना चाहो तो नाइट भी कर सकते हो, डे करना चाहो तो डे भी कर सकते हो, यहाँ पे बारिश करवाना चाहो तो वो भी आप लोग करवा सकते हो। मुझे अभी इसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने इतना सिर्फ सिखाया। तो अब हमारे जो आता है वो हमारा लास्ट कंट्रोलर है जो कि हमारा स्पीड कंट्रोल, स्पीड नहीं ये जो बटन है उसकी साइज, चलिए वापस से सेटिंग में चले जाते हैं। तो ये टच में आ गए, यहाँ से हमारे बटन की साइज़ हम लोग छोटी बड़ी कर सकते हैं, तो हम मैक्सिमम रखते हैं 45 के आसपास। देखो ये हमारे बटन की साइज़ फिर से वापस जितनी थी उतनी हो गई।
तो गाइस अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग उसमें उसके आपको जैसा ठीक लगे उसके अनुसार आप लोग इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बड़े मोबाइल जो फ़ोन बड़ा होता है, डिस्प्ले बड़ी होती है, तो हमें इसमें कंट्रोल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से अगर आप लोग उसको थोड़ा चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, इसी वजह से वो हमें वहाँ पर दिया गया है। तो गाइस एक और बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चलिए मैंने पानी कहाँ पर रखा है एक बार मैं आप लोगों को पानी थोड़ा दिखा, ये रहा देखो इसमें पानी है और ये मैंने खेती किया हुआ है सब कुछ है। चलो थोड़ा और बड़ा सा पानी दिखाता हूँ। तो ये गाइस आप लोग देखना, वीडियो को एंड मत करना, आप लोगों को बहुत काम आने वाला वीडियो है। तो आप लोगों ने देखा होगा माइनक्राफ्ट में ये जो पानी होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन इसमें कलर चेंज हो गया है। तो गाइस ये इसके ग्राफिक की वजह से हुए, आप लोगों को भी ऐसे ग्राफिक्स चाहिए। देखो यहाँ पे हमें रेनबो भी दिखाया जा रहा है और ऊपर सन भी कितना अच्छी तरह से ब्राइट कर रहा है और बादल भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये ग्राफिक आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपको इंस्टॉल करना है, उस सारी का सारा वीडियो मैंने बारीकी से समझाया हुआ है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बाद में वहाँ जाके देख सकते हैं। तो गाइस सेटिंग्स को मैंने आपको सारी की सारी दिखा दी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार पसंद आया हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गेम के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हर रोज़ लाते रहते हैं। तो गाइस बाकी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मैंने वीडियो इसमें डाले हुए, रॉन गेमिंग का वर्ल्ड कैसे डाउनलोड करें, वीपर गेमिंग का वर्ल्ड कैसे डाउनलोड करें, टेक्नो गेमर्स का वर्ल्ड कैसे डाउनलोड करें, सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हो। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। तो यार आई होप कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।